हाँ जी भाई साहब, तो वो वाला दिन आ चुका है जिस वक्त का इंतजार होता है आईफोन यूजर्स को, और उनके लिए ईद होती है ये दिन, क्योंकि साल में एक बार आईफोन अपना इवेंट करता है और आईफोन जो नया मॉडल होता है वो लॉन्च करता है। आईफोन ने फाइनली ऑफिशियली जी कल 10 सितंबर को अपना मॉडल जो है वो रिवील कर दिया है, ऐसा समय ने लॉन्च कर दिया है। अभी उसकी प्री बुकिंग नहीं है, कब से कब तक होगी और कब तक एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में या फिर किसी भी मार्केट में आएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और साथ साथ आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स में, 16 प्रो में, 16 में और 16 प्लस में, लाइक 15 के निस्बतन। तो इन सब के बारे में हम बात करें, लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाना। सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं, आईफोन ने चार मॉडल जो है इस बार लॉन्च किए हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले आईफोन 16, उसके बाद 16 प्लस। 16 और 16 प्लस जो है बिल्कुल सेम से मॉडल है, जो साइड पे आपको तस्वीरें मेरी इस पे शो हो रही होंगी मेरी वीडियो के अंदर, आपको समझ आ सके। तो कैमरे जो है वो थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं 16 प्लस के 15 से, ठीक है। बाकी जो है आईफोन की शेप जो है ऑलमोस्ट सेम है, और साइज का दोनों में आपस में डिफरेंस है 16 और 16 प्लस में। इसी तरह आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स जो मॉडल है उनके भी बाकी सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, बस सिर्फ और सिर्फ जो है साइज का फर्क है। अभी मैं बताने वाला हूँ 16 में कौन कौन सी नई चीजें आई हैं और 16 प्रो मैक्स में कौन सी नई चीजें हैं 15 की निस्बत आईफोन की। तो बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी टोटल पावर हाउस कहा गया है आईफोन 16 को, ठीक है। ये A18 चिप विद 5 कोर GPU के साथ इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि पहले भी वैसे A18 जो चिप है मतलब सॉफ्टवेयर है वो आ रहा था 15 के अंदर, लोग अपडेट कर रहे थे, बट वो बीटा वर्जन था, ठीक है। अभी कंप्लीट ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था, तो कल रात ऑफिशियली वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा कैमरा कंट्रोल जो है आईफोन 16 में जो है वो बटन जो है एक और मजीद ऐड कर दिया है आईफोन एप्पल ने, ठीक है। पहले जो कि एक्शन बटन था उसी की तरह का एक और बटन इन्होंने इंक्लूड किया है, जिसको आप पुश तो नहीं कर सकते, लेकिन ये आप जैसे ही आप हाथ रखेंगे उस बटन के ऊपर तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो पुश हो रहा है। तो उस बटन से आप सिंपली कैमरा जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। तो जितना जल्दी आपको कैमरा ओपन चाहिए वो उससे कहीं जल्दी ही एकदम से सामने आ जाएगा। उसके अलावा उस बटन के थ्रू अगर आप उस बटन को यूज करते हैं जूम करने के लिए तो जूम भी हो सकता है, और दूसरे ऑप्शन भी चेंज करना चाहें तो उस बटन से ये सारे काम एक साथ हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कूल फीचर है और नया फीचर, एक नई चीज आई है आईफोन 16 मॉडल के अंदर, 16 में भी 16 प्रो में भी, तो ये दोनों के अंदर ये बटन जो है वो ऐड किया गया। इसके अलावा मैं बताता हूं, अभी हम 16 की ही बात करेंगे, ठीक है। ड्यूअल कैमरा सिस्टम 48 मेगापिक्सल जो है फ्यूजन कैमरा जो है वो आईफोन 16 के अंदर दिया है, 16 और 16 प्लस के, मैं दोनों की बात करूंगा। उसके बाद 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है ये दिया गया जी इसके अंदर। और आईफोन वालों ने एक और दावा किया जी है अप टू 27 और वीडियो प्लेबैक जो है ये आपको बैटरी टाइमिंग देगा आईफोन 16 और 16 प्लस। इससे पहला जो मॉडल था इवन 15 प्रो मैक्स का मॉडल था वो तकरीबन 25 जो है घंटे आपको बैकअप देता था वीडियो बैटरी बैकअप। तो इसलिए बैटरी जो है 25% ज्यादा इंक्रीज कर दी है 16 मॉडल में, 16 में, 16 प्लस में। प्रो मॉडल की बात हम आगे चल के करेंगे तो आके आपको ये चीजें आसानी से समझ आ सके, ठीक है। 20% मैंने आपको पहले बता दिया, 20 से 25% परफॉर्मेंस जो है बढ़ा दी गई है 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो के निस्बतन। उसके बाद आपको बताएं सेरेमिक शील्ड ग्लास जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, मतलब इसका ग्लास है या फोन है जो इतने एक ज्यादा वो कहते हैं स्मार्टफोन की निस्बतन बाकी जितने भी हैं टफर होगा, ठीक है। टफ है ताकि ये फोन अगर गिरे तो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा हम जो बात कर रहे थे एक बटन की आईफोन ने इंक्लूड किया, उसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली फोकस भी कर सकते हैं, ठीक है। ओनली कैप्चर द वॉइस, अच्छा हाँ एक और आपको बात बता दूं, अगर आप लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन अगर अब आपने फोन उठा के अपना साइड पे रख दिया और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उनकी वॉइस, ठीक हो गया, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने आपके बातें कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, कोई और बातें हैं, तो वो आपकी फोन के अंदर रिकॉर्ड होंगी। इवन आपका कैमरा जो है ऑन नहीं होगा तब भी, या फिर फोन नीचे रखा गया है कैमरा आपने बंद कर दिया उसके बाद भी अगर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होगा। ये भी एक अच्छा फीचर है आईफोन 16 का। आईफोन 16 के बारे में जो लीक्स थे
पहले भी ये वाले सारे आ रहे थे, तो वो तकरीबन तकरीबन वही ही हुए हैं, और आईफोन वालों ने, एप्पल वालों ने फाइनली फाइनली उसको लॉन्च कर दिया। अब आपको बता चलूँ, प्री बुकिंग है जी आईफोन 16 की, 13 सितंबर से आप किसी भी जगह से इसको प्री बुकिंग कर सकते हैं एप्पल स्टोर के ऊपर जाके, और उसके साथ साथ इसको किस्तों के ऊपर भी अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी जो कि पाकिस्तान के लिहाज से, मैं आपको सबसे पहले बता चलूँ कीमतें भी बताता हूँ कि पाकिस्तान के लिहाज से ऑलमोस्ट 12 से 13 हज़ार रुपये पर मंथ बनेगा, और 2 साल की किस्तें के ऊपर ये आईफोन दे रहे हैं अगर आप आईफोन किस्तों के ऊपर भी प्री बुक करना चाहें तो। आईफोन 16 की जो प्राइस है $799, $799 जो है स्टार्ट होता है, उसके बाद इससे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है क्योंकि 128 से 256 और 1 TB की प्राइसेस फिर डिफरेंट है। सबसे पहले आपको प्राइस बता दो 16 प्रो मैक्स की जो प्रो मॉडल है $999 जो है 16 प्रो मैक्स की जो है एक किस्म की प्राइसेस जो है वो दे दी गई, इतनी एक प्राइस होंगी। इसके अलावा अब हम जरा बात करेंगे 16 प्रो मैक्स के बारे में, जो कि आप हैरान होंगे कि कितनी बेहतरीन चीजें जो है इंक्लूड कर दी गई हैं 15 प्रो मैक्स से। और कलर की बात करें, पहले हम 16 के कलर की बात करते हैं जो कि मैं थोड़ा सा शायद भूल गया था आपको बता नहीं पाया। 16 में जी टी पिंक जो कहते हैं हमेशा से वो कलर आया है, अल्ट्रा मेरीन कलर आया है, व्हाइट कलर है। मुझे जो अल्ट्रा मेरीन कलर है आईफोन 16 का बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत कलर लगा। अब हम बात कर लेते हैं जी आईफोन 16 प्रो मॉडल्स की, प्रो और प्रो मैक्स की। इसके अंदर A18 चिप विद 6 कोर GPU डाला गया है जी, जो प्लस और 16 मॉडल है उनसे इनका जो है चिप है 6, उनमें 5 कोर डाला गया था, इसमें 6 कोर डाला गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और बात भी बता, जब एप्पल के चाहे प्रो मॉडल हैं या नॉन प्रो मॉडल, उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। उसके बाद अब सबसे पहले हम कैमरे की बात कर लेते हैं 16 प्रो मैक्स की। 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा है, उसके बाद 5x टेलीफोटो कैमरा जी दिया गया, जैसे कि आप पहले भी आपको पता है 1x 2x या 5x आप जूम कर सकते थे, ठीक है, तो वो इसके अंदर भी 5x ही रखा गया है। उसके बाद 48 मेगापिक्सल जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो कि बहुत ही क्लास का कैमरा है, जो 16 प्रो मैक्स की पिक्चर्स निकल के आई हैं जब वो पिक्चर्स ले रहा है। और आपको एक और बात बता, आप इस मोबाइल से इतनी खूबसूरत वीडियो कैप्चर कर पाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो कैप्चर की है और वो 25 FPS से कैप्चर की हुई है, बट अब उसको आप 60 FPS करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को 60 FPS कर सकते हैं आपके मोबाइल गैलरी के अंदर जो मौजूद होगी। तो ये बहुत अच्छा इंक्लूड था, ठीक है, इंक्लूजन है। इसके अलावा आपको बता दो, जो आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है अप टू 33 hours वीडियो प्लेबैक देगा, मतलब 15 प्रो मैक्स से कहीं ज्यादा इसकी बैटरी जो है अब खत्म नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं। आप इजीली जो है ऑलमोस्ट आप एक दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करते गा, इवन आप अगर वीडियोस देख रहे हैं 16 प्रो मैक्स के अंदर भी एक्शन बटन या फिर कैमरे कंट्रोल के लिए एक बटन डाला गया, जिससे हम कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो मतलब सारे जितने भी ऑप्शन थे पहले हम जो मैनुअली हैंड से करते होते, अभी आप लाइक बटन के थ्रू वो इजीली, चाहे आपका फोन लॉक है या नहीं, आप इजीली वहां उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़े से कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी ब्लैक टाइटेनियम इसके अंदर दिया गया है, जो कि हमेशा से ब्लैक लाजमी ही होता है। उसके बाद व्हाइट टाइटेनियम दिया गया है, उसके बाद नेचुरल टाइटेनियम जो 15 प्रो मैक्स का भी कलर था, बहुत डिमांडिंग कलर था। उसके अलावा जो मुझे कलर पसंद है और आईफोन ने नया कलर लॉन्च किया, उससे कहते हैं डेजर्ट टाइटेनियम, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाम दिया इस कलर को। और ये कलर ऑलमोस्ट इस तरह कह सकते हैं कि ब्राउन और गोल्ड, इन दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कलर है। और फोन के बेजल्स वगैरह को देख के मतलब दिल ही आ जाता है। कर्व्स के अंदर आपको 16 प्रो मैक्स मिलेगा आपको, जब आप उसको उठाएंगे हैंडी होगा। और आपको एक और बात बताता चलूं, डिस्प्ले जो है इस बार बढ़ा दिया गया है जी 16 प्रो मैक्स का। 16 प्रो मॉडल जो है 6.3 होगा और 6.9 इंच 16 प्रो मैक्स का डिस्प्ले साइज होगा, और XDR सुपर रेटिनिया के साथ ये डिस्प्ले आएगा। उसके बाद कैमरा एक्सेस का मैं आपको इजी एक्सेस बता चुका हूं कि हम बटन के जरिए आप कर सकते हैं, और वीडियो के बारे में 16 के अंदर भी बता चुका हूं कि अगर आप 25 FPS पे कोई रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको 25 पे नहीं करना था, 60 FPS पे चाहिए, तो आप वो भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक और बहुत ही मजेदार चीज इंक्लूड की आईफोन ने एंड्रॉयड के अंदर, कुछ एंड्रॉयड्स के अंदर ये चीज जो है मैं पहले ही देख चुका हूं,
और वो ये थी कि अब आप पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड जो भी ऑब्जेक्ट है अगर आपको नहीं पसंद, लाइक आपका दोस्त अगर आपको नहीं पसंद जो आपके साथ है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और ऐसा रिमूव कर सकते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इस पिक्चर के अंदर मजीद कोई इंक्लूड ही नहीं, मतलब कोई था ही नहीं। और एक और मजे की चीज इसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, अगर आप अकेले एक पिक्चर बनाते हैं, दो फ्रेंड हैं एक दूसरे की पिक्चर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके साथ ही पिक्चर बनाएं, तो एक दोस्त की कैप्चर कर लें, दूसरा दोस्त आके दोबारा कैप्चर करेगा, तो उन दोनों को आईफोन एक साथ मिला देगा और ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक साथ खड़े हैं। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छे चीजें जो है, अच्छे फीचर जो है वो इसके अंदर डाले गए, जो कि बहुत ही मजे की बात है। 4K 120 FPS Dolby Vision के साथ, ठीक है। उसके बाद हम प्ले बैक स्पीड आफ्टर कैप्चर, मतलब प्ले बैक स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं कैप्चर करने के बाद आईफोन के अंदर वीडियो। और आईफोन 16 प्रो मैक्स प्रो मॉडल्स की मैं आपको पहले ही कीमतें जो है बता, 16 प्रो मैक्स की आपको पहले ही प्राइसेस बता चुका हूं मैं, 1999 प्रो मॉडल्स की कीमत है, प्रो मैक्स की कीमत जो है 1199 डॉलर जो है। इसके अलावा अगर हम सऊदीया की या यूएई की बात करें तो 5100 में आपको 16 प्रो मैक्स 256 GB मिल जाएगा, और अगर आपको प्रो मॉडल चाहिए या फिर नॉन प्रो मॉडल चाहिए तो आपको 4042 और 4300 के दरमियान ये आपको यूएई दिरहम जो है उनमें आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त फोन है, उम्मीद काफी है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा, इस वीडियो को देख के भी आपको नए फीचर सुन के भी मजा आया होगा, मैं साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी ऐड करूंगा ताकि आपको आसानी हो देखने में और चूज करने में कि आप किस तरह का फोन लेना पसंद करेंगे। मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा 16 प्रो मैक्स का पसंद है, कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।